हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो और मैं अभी शिमला पहुंच चुका हूं और मैं आज जा रहा हूं चैडविक फॉल, जहां पर मैं आप लोगों को दो बार पहले भी ले जा चुका हूं और हर सीज़न की वाटरफॉल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस वजह से मैं ये तीसरी बार इसका व्लॉग बना रहा हूं ये। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो है ये मैं आपको ले गया था मानसून के बाद जो वाटरफॉल था, जिसमें आप लोगों ने वाटरफॉल देखा था। उसके बाद मैं ले गया था आपको समर में, समर में वाटरफॉल बिल्कुल सूख चुका था। तो अभी हम जा रहे हैं मानसून सीज़न में और अभी चल रहा है जुलाई। तो अभी चलते हैं सीधा चैडविक वाटरफॉल और आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल किस कंडीशन में है अभी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बालूगंज मार्केट। ये है बालूगंज की मार्केट, ये जो है, और इस मार्केट से निकलने के बाद आगे चौक आता है, तो वहीं से हम लोग राइट को मुड़ जाएंगे इधर से। शिमला के लोकल को जानकारी है, ये शिमला के लोकल को जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ उन लोगों को जिनको जानकारी नहीं है। शिमला के लोग तो जानते हैं ये सारा रास्ता। अब यहाँ से हम राइट टर्न हो जाएंगे इधर से। कहाँ कहाँ गाड़ियां पार्क कर देते हैं यहाँ पर। पार्किंग रोड में भी पार्किंग बना दिया लोगों ने, गाड़ियां चलने की जगह ही छोटी हो गई है। तो यहां से यू टर्न कर लिया और हम लोग चलते हैं फिर सीधा चैडविक फॉल की तरफ। और यहाँ क्योंकि कॉलेज है तो यहाँ पर लोगों का आना जाना चला ही रहता है, स्टूडेंट्स काफ़ी नज़र आ जाते हैं यहाँ पे, तो गाड़ी भी आराम से चलानी पड़ेगी इधर। और बरसात की वजह से रोड बड़े गंदे हो रहे हैं इस टाइम पर। और डिस्टेंस रह गया हमें, थोड़ा और नीचे जाना है यहाँ से। ये आप दो रोड देख रहे हैं ना, पगडंडी, इसी पगडंडी से हम लोग आ रहे हैं अभी। सामने पगडंडी जो है, यही पगडंडी से हम लोग नीचे अभी जा रहे हैं सीधा। तो देख सकते हो ये कौन सा रास्ता हम लोग जा रहे हैं इस वक्त। और इस रोड में हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि रोड खराब है, तो सावधानी से ही नीचे उतरना, कहीं पैर फिसल गया तो सीधा नीचे जाएंगे, और ये सावधानी बहुत जरूरी है। स्लो स्लो, तो देख सकते हैं ऊपर यहाँ का भी लैंडस्लाइड हुई होगी, तो वो सारा नीचे है ये सारे रोड जो है, और ये जो जिस तरीके से थोड़ी थोड़ी खिसकती है तो पूरी खिसकनी शुरू हो जाती है। तो देख सकते हैं ये सारा, ये पहले बार हुआ था, पहले बरसात में हुआ था ये, मतलब पिछले साल के मानसून के टाइम में, उस टाइम पे ये रोड नीचे, ये सारी पहाड़ी नीचे आई थी ये। इस बार अभी तक तो ठीक है। तो समर में मैं अपने बेटे को साथ लेके आया था, उस टाइम पर वाटरफॉल चल नहीं रहा था, बिल्कुल सूखा हुआ था। और अभी बेटा बेटी दोनों को लेके आया हूँ मैं। चलो मानसून में तो वाटरफॉल सही हो गई होगा, तो दिखाता हूँ इनको अच्छी तरह से वाटरफॉल यहाँ का, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि किस किस टाइम पर वाटरफॉल अच्छा होता है।
क्योंकि मैंने मानसून के बाद का भी दिखाया था जिस टाइम वाटरफॉल चालू था, और समर में दिखाया था बिल्कुल सूखा था, और अभी मानसून चल रहा है तो मानसून में किस तरीके का वाटरफॉल है, कितना ज़्यादा वाटरफॉल हो रहा है वो देखना ही मेन मकसद मेरा है, और आप लोगों को दिखाना भी। तो अभी बरसात तो चल रहे हैं, पर बरसात भी एकदम जवां, मतलब कहता है ना कि कंटिन्यूस चलने वाली बात अभी नहीं हो रही है, कभी बूंदा बांदी कभी ठीक बरसात हो जाती है, तो इस तरीके से चल रहा है। अगर लगातार बरसात होती है तो उस टाइम पर झरना बहुत ही ज़्यादा होता है वाटरफॉल जो है, और ये देख सकते हैं यहाँ से पानी का बहाव आया हुआ, ये कूड़ा यहाँ तक है, और ये रोड बना हुआ सारा नीचे ढहने के लिए, पानी यहाँ से नीचे जाता है, तो ये चीज़ें देखनी होती है रोड में चलते चलते। और अगर ये चीज़ नहीं ध्यान किया तो आप लोग नहीं हो जाओगे नीचे, ये सावधानी ज़रा चलते वक्त पगडंडियों में, पहाड़ियों में ना, पहाड़ियों की पगडंडी सावधानी से चलनी पड़ती है, कभी ठोकर खा गए तो गलत हो सकता है, कभी साइड में पैर रख दिया तो गलत हो सकता है। और मुझे यहीं से आवाज़ आ रही है वाटरफॉल, मेरे को लग रहा है अच्छा वाटरफॉल हो रहा है इस टाइम पर, और आवाज़ यहाँ तक आ रही है, तो मेरे को लगता है इस बार वाटरफॉल अच्छा देखने को मिल जाएगा। मानसून आते वाटरफॉल की छवि अलग ही हो गई है, और समर में जब आए थे तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। और ये मानसून के बाद आप आओगे तब भी वाटरफॉल मिलेगा, पर इतनी तेज आपको नजर नहीं आएगा। तो आगे हम झरने के पास ही नीचे ही उतर चुके हम लोग, ये देखो भाई है ना मजेदार झरना। यहाँ तक पानी उड़ के आ रहा है एकदम, तो देख लो झरने का मजा लेते हुए वाटरफॉल का मजा ले रहे हैं अभी लोग। ये यार क्या बोतलें फेंकती है सामने, पता नहीं यार। चले पानी क्या बात है, सुपर सारी पानी। और एक चीज का बुरा मुझे ये लग रहा है यहाँ पर कि ये सारा कूड़ा फैला के ऐसे रखा हुआ, झरना एकदम साफ सुथरा होता ज्यादा अच्छा लगता है, पानी इतना साफ सुथरा आ रहा है पीने लायक पानी है, पर यहाँ पर लोगों ने बोतलें फैला रखी हैं सारी। और ये देखो आप सामने देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पानी की बोतलें ऐसे फेंकी हुई है, वहां कूड़ा कर रखा है सारा। और यहाँ पे कभी गर्मियों के टाइम में नाला बह रहा था, यहाँ पर पूरा गंदा पानी बह रहा था यहाँ, तो ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान करें और इसको सुंदर बनाने की कोशिश करें तो टूरिस्ट काफ़ी आ सकते हैं यहाँ पे, रोड को भी सही से बनाया जाए तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा ये झरना मानसून, और मानसून के बाद का जो है बहुत ही सुंदर रहता है यहाँ पे, बाकी समर के टाइम में आना बेकार है यहाँ पर। उधर मत जाना, इधर इधर,
तो आप देख सकते हैं पानी के बहाव कितनी तेज है इस वक्त, और बच्चे भी पानी में जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। ये झरना देख के पानी के अंदर घुसने का मन सभी का करता है, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था, सभी उत्सुक हो जाते हैं इसमें घुसने के लिए। और मैं बार बार बुला रहा हूँ, आ नहीं रहे कि पानी में कितना अच्छा लग रहा है इन लोगों को। और पानी की आवाज़ की वजह से मेरी आवाज़ शायद आप लोगों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, पता नहीं। मतलब जंगल के अंदर ही आपको ये वाटरफॉल नज़र आता है, और ये चीड़ के पेड़ों के बीच में से होता हुआ निकल के आता है ये। और ये कहा जाता है कि ये किसी अंग्रेज ने इसकी खोज की थी, इस वाटरफॉल की। तो ये था चैडविक वाटरफॉल, और आप यहाँ से निकलते हैं हम लोग, और काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं अभी, और भीग भी चुके हैं अच्छे खासे, मतलब कपड़े आप देख ही सकते हो कि भीग ही गए हैं, सर पूरा भीगा हुआ हमारा। वाटरफॉल के पास ही खड़े थे, तो पूरा वाटरफॉल के नीचे ना से साइड में भी खड़े हो तो पानी ऐसे उड़ के आ रहा है कि पूरे भीग जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर टूरिस्ट अभी कम ही है, बस इक्के दुक्के लोग बीच में आ जाते हैं घूमने के लिए, तो बाकी अभी ज़्यादा लोग आ नहीं रहे। मानसून में लोग आना भी आने से भी डरते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड चलता ही रहता है, कई पहाड़ी खिसकने की कई केस हो चुके हैं, तो लोग इस चीज़ से भी डरते हैं नीचे आने में, तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है आपको, अपना कान आँख खुला रखना पड़ता है कि किस तरीके की आवाज़ यहाँ आ रही है, और आप जहाँ जा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। तो ये आप लोग को सावधानी से ही देखना है, चलना है। हाँ भाई कॉफ़ी भी हो गए, हाँ पी लो पी लो, चलो चलो लो लो तो सही, चलो शेयर कर लेना। कोई मुंह में कैसा लगी ये, क्या लगा ये? अरे अरे अरे, कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी कॉफ़ी, पानी भी है मेरे पास है वैसे तो। अच्छा पकड़ो पानी तो नहीं चाहिए है। रस चाहिए था, पगडंडी के रास्ते में यहाँ पर कितनी सारी ये बोतलें ऐसे फैला रखी हैं यहाँ पर, और यहाँ भी काफ़ी कचरा ऐसे किया हुआ है, और झरने के एकदम नीचे वहाँ भी बोतल ही बोतल चला रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती।
ये मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल दुखता है इन चीज़ों को देख के, और सुंदर जगहों को अगर अच्छी तरह बना के रखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आने वाले भी आएंगे खुशी से आएंगे यहाँ पे। और इतना गंदा रखोगे तो कौन आना चाहेगा ये बताओ आप। फिर चलते चलते आखिरी बार आप लोगों को ये झरना और दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वाटरफॉल ये है, चैडविक वाटरफॉल जो है मैं जो आपको अभी तक दिखा रहा था। और निकलते हैं फिर यहाँ से और चलें फिर सबको। तो फिर यहाँ से निकलते हैं। तो आप लोगों को मैंने दिखाया कि कैसे मानसून के बाद का वाटरफॉल और उसके बाद समर का वाटरफॉल। तो समर में वाटरफॉल होता ही नहीं, बदन बिल्कुल सूख जाता है। और मानसून का वाटरफॉल देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह वाटरफॉल हो रहा है। पर वाटरफॉल तो देखने में अच्छा लग रहा है, पर यहाँ की जो गंदगी जो फैला के रखी हुई है वो अगर नहीं फैलाते तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देख सकते हैं वाटरफॉल का अपना अलग ही नज़ारा है। अभी मैं नीचे से थोड़ा ऊपर आया हूँ और ऊपर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कितना सुंदर लग रहा है इसमें वाटरफॉल। लोग ऐसे वाटरफॉल देखने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, और मैं भी गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर अभी घर के पास ही ये वाटरफॉल है तो मैं आप लोगों को भी दिखाने आ गया किस तरीके से मानसून में वाटरफॉल कितनी स्पीड पकड़ के आता है। और हम लोग निकल ही पड़े हैं तो फिर वीडियो को भी यही एंड करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।